मोहतरम सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये मदीनतुल मुनव्वरा है, मेरे नबी का शहर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चारों जानब मैं दिखा देता हूँ, ये ट्रेन है। और ये ट्रेन तब बनी थी जब यहाँ पर तुर्की हुकूमत थी, और तुर्की हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर के तुर्की इस्तांबुल तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा, मेरे नबी के शहर से इस्तांबुल तक। क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में सल्तनतें उस्मानिया मौजूद थी, और यह मक्का हरम शरीफ और मदीनतुल मुनव्वरा का जितने भी कामें थे, काम यहाँ का था, सब तुर्की हुकूमत के दायरे में आता था। उस वक्त यह तुर्की हुकूमत ने बनाई थी, लेकिन जब इस ट्रेन को चलाया गया तो इस ट्रेन का साउंड इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था कि मेरे नबी के शहर तक इसका वाइब्रेट पहुँच रहा था। तो जो हुकूमत थी, सऊदी हुकूमत जो बनवाई थी, उसने कहा कि अरे मेरे नबी के शहर में इसकी इतनी मजाल कि इसकी इतनी साउंड इतनी फेवरेट करे। और तब से वो बैन लगा दिया कि ये ट्रेन नहीं चलेगी। तब से देख सकते हैं कि ये ट्रेन यहीं पर रुकी हुई है। ये तुर्की वालों का कि ऐसे आशिक रसूल थे कि, तो आप देख सकते हैं ये तुर्की मस्जिद बोलते हैं इसको, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तुर्की स्टेशन बोल सकते हैं या फिर तुर्की मस्जिद के नाम से यहाँ पर लोग जानते और पहचानते हैं। तो यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पर पटरियाँ भी है, ट्रेन भी हैं, तो इंशाल्लाह तबारक स्टेशन भी है, तो इंशाल्लाह हम सब आपको यहाँ पर दिखलाएंगे और इंशाल्लाह तबारक व ताला बतलाएंगे आपको कि क्या यहाँ का तारीखी यादगार है और यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो आइए अब देखते हैं, हम आपको यहाँ का तुर्की का पूरा यहाँ का स्टेशन और ये ट्रेन बोगी डब्बे जो भी हैं हम आपको दिखलाते हैं। तो सामईन हजरात देख लें, ये रेल के डब्बे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और ये जो डब्बे बनाए गए हैं ये लकड़ियों के बनाए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लकड़ियाँ ना कोई सरी है ना गली है। और ये जो डब्बे जो देख रहे हैं ये लोहे का है और बिल्कुल ओरिजिनल है। देख लें, मैं डब्बे के अंदर चलता हूँ और दिखलाता हूँ आपको। ये लकड़ियों का सीढ़ियाँ बनाई गई थी चढ़ने के लिए। देख लें ये अंदर का नज़ारा है, ये सब लकड़ियों का है, या कोई म्यूज़ियम या कोई वो नहीं है, ये ओरिजिनल है। कि देख रहे हैं डब्बे सामने, वो इंजन जो है वो सामने दिख रही है, ये वही इंजन है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। और जब इसको चलाया गया तो इतना वाइब्रेट इतना साउंड करने लगा कि वो आशिक रसूल जिसने बनवाया था उसने बोला कि तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे महबूब हुजूर के शहर में इतनी शोर शराबा करे, जब से बंद है तब से बंद ही है अभी तक। देख लें ये एसी का कोई वो है, वो रखा गया इसमें। देख लें ये चक्की ओरिजिनल लोहे का है, ऐसा कुछ फेंक नहीं है। और इसका पूरा हम लोकेशन आपको दिखलाएंगे यहाँ पर, अभी शाम का वक्त है, पूरा आपको हम पूरा लोकेशन दिखलाएंगे। और ये देख लें नीचे एसी भी रखी हुई है, क्योंकि जब चल नहीं रही है तो नीचे कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। हम चलेंगे इसका स्टेशन के जाने भी, स्टेशन भी आपको हम दिखलाएंगे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल बनाए गए हैं, रखे गए हैं पार्क बना करके, तो उसका भी उसको भी हम दिखलाएँगे इंशाल्लाह आपको। ये मेरे आका के शहर है मदीनतुल मुनव्वरा। वीडियो देखते रहें, और ये देख लें पूरा लोकेशन हम आपको यहाँ से दिखला रहे हैं।
तो देख लें ये बोगियां हैं, और पार्क भी इधर बहुत ज़्यादा हैं, बनाए गए हैं। शाम को आकर लोग इधर रेस्ट करते हैं। ये दोनों तरफ ट्रेन के बोगियां हैं। पूरा सामने से लोकेशन हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई है, तुर्की मस्जिद जिसको हम बोलते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। शाम को जितना शाम होगा उतने ही लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ सोफे भी पार्क की जैसे बना करके लगाया गया है। और ये सब देख लें, पटरियाँ हैं, पटरियाँ बिछाई गई हैं, जैसे हमारे तरफ बिछाई जाती है ना, सेम वैसा ही बिछाया गया है। और देख लें वो सामने जो है, ये स्टेशन है, स्टेशन है। सब पटरियाँ जाकर वहीं पे मिलती हैं, और स्टेशन से के बीच से होकर के गुजरती है। देख लें, ये मैं स्टेशन दिखाया, ये पटरियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उस वक्त की पटरियाँ जो बिछाई गई थी। उधर भी सामने देखें, यहाँ पे भी कुछ डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन जो भी डब्बे हैं सब पटरियों पर ही हैं। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि ये दिखाने के लिए रखा गया है। अब हम चलेंगे, ये जो पटरियाँ इसके अंदर से गुजरती हैं, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे उसके अंदर, अगर खुला होगा तो जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे अंदर का कुछ नज़ारा दिखाने के लिए आपको। तो आइए चलते हैं, हम अंदर का नज़ारा दिखलाएंगे आपको, लेके चलते हैं उधर। तो सामिन हज़रत, ये देख सकते हैं, ये गेहूं के दाने हैं जो प्लास्टिक के हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगी ये पूरी तरह से जलने लगेगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे ये स्टेशन की जानिब, हम बढ़ेंगे। ये बोगियां हैं सामने, उसको भी दिखलाएंगे आपको, और स्टेशन के अंदर का पूरा चीज़ दिखलाएंगे। तो आइए चलते हैं। यह एक बोगियाँ रखी गई है, इस बोगियों के अंदर हम दिखाएंगे। देख लें, ये जस्ट स्टेशन के बाजू में इसको खड़ी कर दी गई है। तो इसको भी देख लें आप, ये भी लकड़ियों का है। और अब हम स्टेशन दिखलाएंगे आपको, ये सब कुर्सियाँ बनी हुई है बैठने के लिए, और ये तो डोर जो है ये बंद है, इसी से अंदर एंट्री करती थी ट्रेन जो है। देख लें, ये तुर्की का मॉडल है, तुर्की में भी आप देखिएगा तो ऐसे ही मिलेंगे। ये पटरियाँ काफ़ी दूर दूर तक जाती हैं। तो हम अभी जो दिखला रहे हैं ये अंदर का नज़ारा है, हम खिड़की से अंदर डाल करके वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देख लें, ये अंदर का नज़ारा है, इसमें डब्बे भी हैं और इंजन भी है। देख लें, ऐसे ऐसे आशिके रसूल हुआ करते थे कि इतना मेहनत करने के बाद जब बन के तैयार हो गई, तो फिर जैसे ही ज़्यादा फेवरेट हुआ तो उनको नाराज़गी हुई कि मेरे नबी के शहर और तुम्हारा इतना
ज़्यादा साउंड ऐसा नहीं हो सकता। तब से ये ट्रेन जो है ये बंद ही पड़ी है। देख लें ये अंदर का नज़ारा है, लोग आते हैं, ज़्यारत करते हैं, देखते हैं और फिर जाते हैं। देख लें ये अंदर में क्या है, ये डब्बे भी हैं और इंजन भी है। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के हैं, जब यहाँ पे तुर्की हुकूमत थी। देख लें यहाँ पर भी मैं अंदर डाल करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अंदर का नज़ारा है ये सब। ये ट्रेन के डब्बे हैं, लग रहा है कि एसी वाला डब्बा होगा। और इसके बाहर का ये नज़ारा है, देख लें इधर से ट्रेन गुजरती है, एक दो तीन चार पटरियां निकल रही है अंदर से, एक दो तीन चार, आप दरवाजे भी देख सकते हैं। माशाल्लाह। और ये सारा लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है और इसको पूरी तरह से बाउंड्री कर दी गई है चारों तरफ से। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाम को बहुत भीड़ होती है क्योंकि लोग देखने के लिए आते हैं और ज़्यारत करते हैं। देख लें ये सब पटरियाँ हैं, यहाँ से मैं स्टेशन को आपको दिखला रहा हूँ। देख लें मैं जूम करके दिखला रहा हूँ इसको, स्टेशन को। और ये जो दिख रहा है ये म्यूजियम है, इसके अंदर बहुत से उस वक्त के उस दौर के कुछ सामान हैं, उसको इसमें महफूज करके रखा गया है। इंशाल्लाह मैं उसका वीडियो अलग बनाऊंगा, उसको भी तुर्की म्यूज़ियम बोलते हैं उसको, तो इंशाल्लाह उसको हम दिखलाएंगे आपको, ठीक है। ये देख लें पटरियां हैं और सफ़ेद सफ़ेद ये पत्थर बिछाए गए हैं, लकड़ियाँ भी माशाल्लाह अभी तक उसमें कुछ खरोच नहीं है, उसमें न सरा है न गला है न कुछ खराबी हुई है उसमें। देख लें ये तुर्की म्यूज़ियम है, इसके अंदर भी बहुत से चीज़ रखे गए हैं जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो है नस्बत है, तो उसका इंशाल्लाह हम वीडियो दिखलाएंगे। और ये बोगी ये देख लें इधर भी खड़ी है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी तरह का फूल लगाए गए हैं, इंशाल्लाह उसकी भी हम ज़ियारत करवाएंगे आपको। माशाल्लाह ये देख लें, ये देख लें यहाँ शाम क्या खूबसूरती मैं दिखला रहा हूँ। ये सब सोफे देख सकते हैं कि सोफे लगे हुए हैं, इस पे आएंगे और बैठेंगे, नमाज भी पढ़ते हैं और फिर से अपना कुछ घर से लेके आते हैं, कुछ भी नाश्ता वगैरह लेके आते हैं तो खाते हैं। अभी शाम जैसे ही होगा यहाँ की लाइट पूरी तरह से जल जाएंगी और नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा यहाँ का। देख लें वो सब बोगियाँ रखी गई है, अभी बत्तियाँ जलने लगी हैं।
माशाल्लाह, ये सब देख लें, ये सब बोगियाँ। ये सब लाइट देखें जल गई है। एक बार मैं दूर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखला देता हूँ, ये तुर्की स्टेशन का काफी खूबसूरत दिख रहा है। और थोड़ी देर के बाद हम एक पार्क दिखलाएंगे, इसी के अंदर हैं, इसमें इतने अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं और जैसे ही शाम होता है वो जलने लगता है, इंशाल्लाह उसकी भी हम ज़्यारत करवाएंगे आपको। यहीं पर है, देख लें ये पटरियाँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। माशाल्लाह ये सब देखें, उस वक्त की कारीगरी है ये सब। अब शाम का वक्त हो गया है, अब देखिए मैं आपको वो बोला था दिखाने के लिए, तो देखिए किस तरह इसमें लाइट जल गई है कितने खूबसूरत दिख रही है। और वो सामने देखें वो फूल है, इसमें भी लाइट जल रही है। इंशाल्लाह मैं पास से दिखलाता हूँ आपको, देख लें कितने खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह इसमें लाइट जल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। और भी बहुत सारी क्यारियां बनाई गई हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे और अपने महबूब के सदक़े में सब आशिकों को यहाँ आकर तेरे रसूल की हाज़िरी नसीब अता फरमाए और इन सब चीज़ों की भी ज़्यारत नसीब अता फरमाए। शाम का टाइम हो गया है, बत्तियाँ सब जल गई हैं और माशाल्लाह यहाँ का नज़ारे बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, दिल बाग बाग हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दिखलाएंगे, ताकि जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचे और जो पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को देख करके वहाँ तक पहुँचकर इसकी ज़्यारत कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ पर पहुँचा और इस दर की ज़्यारत मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अपने महबूब के सदके इस दर की ज़्यारत नसीब अता फरमाए। देख लें ये सब डब्बे शाम के वक्त कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, बत्तियां जल गई हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा लग रहा है। और यहाँ का देख लें दोनों जानिब का, अगर जाना हुआ मदीने में तो इस जगह ज़रूर आएं और देखें, ज़्यारत करें। माशाल्लाह
कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहेंगे और देखते रहिए इस वीडियो को। तो नाज़रीन अब हम वीडियो को अब ख़त्म करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, यहाँ पर भी देख लें। और यहाँ आए ना मदीनतुल मुनव्वरा तो यहाँ पे ज़रूर आएँ देखें। ठीक है, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।